नात एक शादत है जो हुजूर के ग़ुलाों का मकसूम है जिन लोगों ने इस मुकद्दस सदत को कारोबार बना लिया और पेट का धंधा बना करके नात के तक़द्दस को पामाल करते रहे उनके जाने के बाद दुनिया उनका नाम भी फरामोश कर देती है और जिन्होंने नात को हुजूर की बारगाह में बा अदब हाजरी का ज़रिया करार दिया और इश्क रसूल के फैलाव का इसको एक टूल बनाया फिर ज़माना उनके जनाजों को भी रश की नज़र से देखता है बहुत साले नौजवान था आज उनको मरहूम कहते हुए कलेजा मुंह को आता है लेकिन ये एक अटल हकीकत है कि जो यहाँ आया है उसने बाहर हाथ पलट के वापस जाना है इस दुनिया पर किसी का मुस्तकिल क़याम नहीं है ज़िंदगी की सांसें लम्हा लम्हा टूट रही हैं और मैं और आप तेज़ी के साथ मौत की तरफ़ बढ़ रहे हैं यहाँ किसी ने बैठ नहीं रहना बिल आखिर कूच करना है तो आइए मैं और आप अपने आप को मालिक की दहलीज पे ले जाएँ और मौत की तैयारी करें मुझे बताओ कि किसी को पता था कि ये चमकता हुआ चेहरा और ये रोशन पेशानी जब बोलता है तो लहजे की खुशबू अतराफ़ में फैल जाती है यूं ही हाथों से निकल जाएगा क्या मेरे और आपके ख़्वाब ख्याल में भी कोई दो तीन माह पहले ये कहानी थी लेकिन यह हकीकत वाक़ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो इसलिए मैंने और आपने भी यहाँ से रुखत होना है तो खुशनसीब लोग और इबरत हासिल करने वाले लोग अपनी आखिरत की तैयारी करते हैं वरना वो लोगों की वफात पर चंद लम्हों के ताज़ियती कलमत कहने के बाद अपनी गफलत शार ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर मौत जब उन्हें अचानक दबोचती है तो फिर वो कहते हैं काश के हम फलां के मरने से इबरत हासिल कर ली होती लेकिन उस वक्त फिर वक्त हाथ से निकल चुका होता है हमारे मरहूम भाई की अचानक वफात हमें यही दर से इबरत देती है और मैं आपको दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आपकी अकीदत उनके नाम से और उनके सिर्फ़ मिज़ से और उनकी कबर से नहीं होनी चाहिए बल्कि आपकी अकीदत उनके मिशन से उनके फिक्र से जो जामतफ़ा की सूरत और शक्ल के अंदर देख करके गए हैं आपकी मोहब्बत का अमली सबूत इस इदारे को आपने अपना इदारा समझना है मैं मर के भी जिंदा हूँ अहल वफा की महफिल में मेरी महफिल में या मेरा मजार ना पूछ तो किसी की फ़िक्र के साथ जुड़ जाना ये उसके साथ मोहब्बत का हकीकी रंग और हकीीकी उसूब हुआ करता है तो ये उन्होंने एक मिसाल भी कायम की अमूमी तौर पर सना ख़ानों को पजीरायाँ भी मिली हैं बहुत बहुत इज्जतें भी मिली हैं लोगों ने माल भी नछावर किया लोगों ने उनके कदमों में अपनी आँखें भी बिछाईं सना खानों की बहुत सारी गलतियों को लोग नज़रअंदाज भी करते हैं इसलिए कि ये हुजूर की सना खानी करते हैं ये हुजूर की नात पढ़ते हैं तो फिर उनका भी हक होता है कि जिस दीन ने हुजूर के नाम ने उनको जो इज़्ज़तें दी तो वो भी रिटर्न करें और वो भी कुछ पेश करें मैंने एक जमाने में कहा था कि गुल ने और क्रिक्ट ने अपनी शोहरत से फायदे हासिल करके बड़े आली नस्ब हॉस्पिटल और बहुत कुछ जो है वो फलाही काम खड़े कर दिए काश के ये शनाखा मिल करके एक हसान बिन साबित यूनिवर्सिटी ही बना दें काश के ये कोई काम करें और इनकी मकबूलियत से उम्मत को कोई फायदा हो नाथ खानी सिर्फ आपकी ज़ुबान से ही अदा ना हो बल्कि अमल और रवैये भी नात ख़ानी पुकारते दिखाई दें तो लाजम है कि नात खां हजूर के नाम की यूनिवर्सिटी अपनी मकबूलियत के ज़रिए से कायम करें तो मैं खराज अकीदत इस कबर की मट्टी को भी पेश करता हूँ कि जिस कबर में आसूदा खालिद हसनैन खालिद मरहूम ने ये इदारा कायम करके हजूर के साथ अपनी वफाओं का सबूत दिया और फिर हुजूर नबी राहमत ने उस मोहब्बत को उदार नहीं छोड़ा बल्कि जो पजीराई जो तकरीम जो इज्जत और जो वेकार अल्लाह अकबर खालिद हस्नैन खालिद को नसीब हुआ लगता नहीं था कि ये कुछ जनाजा जा रहा है लगता था किसी दूल्हे की बारात जा रही है तो ये हुजूर के साथ मुहबत का अमली रंग था जो, जो जमाने ने देखा तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस तुरबत नूर पर हमेशा अपनी रहमतों का नजूल फरमाए